हेलो एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग? होप यू ऑल आर सेफ एंड हैविंग अ ग्रेट डे एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू एपिसोड विच इज ऑल्सो द लास्ट एपिसोड ऑफ आर कश्मीर ट्रैवल सीरीज। और इस एपिसोड में हम जा रहे हैं श्रीनगर की संडे बाजार, जीरो ब्रिज और श्रीनगर की लोकल बाजार। आज हमारा प्लान है कि कश्मीर से हमें जो भी शॉपिंग करनी है वो हम कंप्लीट कर दें, और हम चाहते हैं कि हम लोकल चीज़ें खरीदें एज सोवीनियर्स टू टेक टू आर होम। ये संडे बाजार है, हर संडे यहाँ लगती है, और यहाँ पर कपड़े और जो भी सामान आपको दिख रहा है वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा आपको। लिटरली यहाँ पर डबल लेयर जैकेट 100-200 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे थे, और बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर मिल जाएगी। जैकेट्स के साथ साथ यहाँ पर आपको शॉल, शूज़, स्वेटर्स और कई और चीज़ें मिल जाएगी। ये बहुत ही लोकल मार्केट है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कश्मीरी लोकल्स भी बहुत सारे आए हैं शॉपिंग करने। दोपहर हो चुके और अब हम पहुंच गए हैं जीरो ब्रिज। जीरो ब्रिज श्रीनगर का एक बहुत ही खूबसूरत, सबसे खूबसूरत कह सकते हैं ब्रिज है, जो कि पूरी तरह लकड़े से बनाया गया है। ये ब्रिज झेलम रिवर के ऊपर बना हुआ है। बहुत से कैनपीज बने हुए हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, उसमें बेंचेस भी है और उस पर जाली वर्क बनाया हुआ है। ऐसा लग रहा है ये भी एक लोकल हैंगआउट स्पॉट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉफ़ी लेकर या कुछ भी स्नैक्स लेकर बेंचेस पर बैठ के खा रहे हैं। इस ब्रिज में कितनी सारी कारीगरी की गई है वो आप देख सकते हो, वुड पे, इवन मेटल पे। लाल चौक का पूरा इलाका ऑलमोस्ट मार्केट से भरा हुआ है। यहाँ पर कई दुकानें हैं जहाँ पे आपको बहुत से तरह की चीज़ें मिल जाएगी, हर तरह की चीज़ें एक्चुअली मिल जाएगी। जिस तरह हमारे मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट है जहाँ पर ए टू जेड आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, बस ढूंढने की देरी है, तो उसी तरह श्रीनगर का यह लाल चौक लोकल मार्केट है। सो अभी कपड़े का है, देखिए
रेडीमेड भी उधर एक काम कर दे, वहाँ से आते हैं वहाँ से भी रिटर्न। यहाँ पर लोकल डिज़ाइन के कुर्ते, कमीज, शॉल और एम्पोरियम सॉर्ट ऑफ सामान भी है। अगर आप अपने घर ले जाने के लिए कोई सुवीनियर्स ढूंढना चाहते हैं ऑथेंटिक कश्मीरी डिज़ाइंस के, तो वो आपको इस मार्केट में मिल जाएंगे। इतनी बड़ी जगह है। There are dresses shop and पेमेंट करने का रुक जाते हैं। शाम हो गई है और हमें भूख लगने लगी थी, और हमने देखा कि यहाँ पर इस दुकान पर बहुत से लोग कुछ तो खा रहे थे स्नैक, तो हमने भी सोचा इसे ट्राई किया जाए। यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड है। आप अगर श्रीनगर में हैं तो ये स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड है यहाँ का लोकल। शॉपिंग करते करते मुझे ये बाहर एक जूती की दुकान दिखी। एक्चुअली ये खुस्सा टाइप का लग रहा है और ट्रेडिशनल वेयर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो यही देखते हुए मैं इस दुकान में चली गई। पर प्रॉब्लम ये थी कि जो खुस्सा मुझे पसंद आ रहा था एम्ब्रॉयडरी वाला, वो बहुत ही महंगा था और वो ब्राइडल कलेक्शन में से एक था। उसकी प्राइस ही 1200 और 1400 से स्टार्ट हो रही थी। सो आई वॉज लाइक इतना महंगा भी नहीं जाना है खुस्सा लेने के लिए, सो आई ड्रॉप द प्लान। आपकी कोई भी जम्मू कश्मीर ट्रिप यहाँ की लोकल मार्केट घूमे बिना अधूरी है। लिटरली श्रीनगर की लाल चौक मार्केट इतनी बड़ी है और चीज़ें यहाँ पर इतनी रीजनेबली प्राइस्ड है कि इट इज़ अ बिग मिस इफ़ यू मिस टू शॉप हियर। एंड इवन जम्मू की जो लोकल मार्केट है वो इसी तरह है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और अच्छे प्राइजेस पर। एक दिन अगर शॉपिंग का आप अलॉट करना चाहते हैं तो इन दोनों लोकल मार्केट्स में से ही आप शॉपिंग कीजिए, इट्स वर्थ द हाइप। शाम में चाय या कॉफ़ी पीना तो हमारे लिए मैंडेटरी ही है, तो हमने देखा कि करीब में ही एक ये
बहुत ही क्यूट सी छोटी सी बेकरी थी, तो हमने सोचा यहाँ की कन्फेक्शनरी ट्राई करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के केक, मिठाई, बन, खारी और कुकीज़ थी। तो हमने यहाँ पर से कॉफ़ी ली और कुछ बिस्किट्स और खारी ट्राई की। सारी ही चीज़ें बहुत ही अच्छी थी टेस्ट वाइज और प्राइसिंग भी बहुत रीज़नेबल थी। That's all for today's video, guys. If you all enjoyed this video, don't forget to like and subscribe. And this being the last episode of Kashmir series, I would like all of you to watch all the episodes if you are interested in Kashmir series. We'll be linking few episodes in the description box or on the screen. So yeah, do give them a try. And see you all soon in my next vlog. Till then, bye. अपन गए थे तो जो इतना भीड़ थी यहाँ पे ना, अभी शांत हो गया एकदम।